जो गिलोय पिएंगे उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, सर्दी जुकाम कफ एलर्जी कभी होगा ही नहीं। अगली बात, इसे स्वाइन फ्लू डेंगू चिकनगुनिया तो 100% खत्म हो जाता है। खीरा करेला टमाटर के जूस में गिलोय इसका रस मिला करके पी लो, डायबिटीज कंट्रोल ही नहीं क्योर हो जाती है, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। और सुनो, गिलोय का निरंतर सेवन करने से मोटापा कम हो जाता है। डेंगू के लिए, चिकनगुनिया के लिए, मोटापा के लिए। और सुनो, जो गिलोय का सेवन करेंगे ना तो कैंसर कभी नहीं होगा। मैं कल कह रहा था सबके शरीर में सब रोग होना पैदा होने की संभावना है। दोनों हाथ की अंगुलियां अंगूठे कंधों के ऊपर अब गोल गोल घुमा लें। जो गिलोय पी लेंगे उनको कभी भी कैंसर नहीं होगा, लगातार पीना। हमारे यहीं पर कई भाई बहन हैं जिन्होंने गिलोय पी के अपना कैंसर ठीक किया है। गिलोय, गेहूं का जवारा, एलोवेरा, तुलसी, नीम, गोमूत्र, हल्दी मिला करके और प्राणायाम करा करके हमने कितने लोगों का कैंसर ठीक किया है। गोल घुमाना है, ऐसे शून्य बनाना कैंसर के लिए है। ये इसको पिएंगे तो आपको कभी भी बीपी नहीं होगा, शुगर की समस्या नहीं होगी, कैंसर की समस्या नहीं होगी। जो गिलोय का सेवन करेंगे उनके शरीर में रोग पैदा नहीं होंगे। बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस के लिए रामबाण है ये गिलोय। इसलिए हम गिलोय ताजा भी पिलाते हैं। गिलोय की पतंजलि की तरफ से हमने गोलियां भी बना करके दी।